चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। टक्कर होगी कांटे की। किन किन की टक्कर होगी? हरिंदर की, संजीव की। कांटे की टक्कर होगी, ऐसी होगी, ऐसी आज कोई नहीं। पार्टी हटा दे यार, वैसे देखे नेता को तो फिर कौन से नेता? फिर हरिंदर है ताकत और यहाँ जिले में। तो कोई सरकार से कोई सहूलियत भी मिल जाए, कोई योजना आपके लिए? बहुत सारे मजदूर आदमी मके मिल ली, फिर वोट ले ले मजदूर आदमी, फिर भी फिर कौन पूछ कर रहा हमारी बता, कौन कर रहा? कोई भी साल हो जाएंगे सर, कौन कर रहा हमारी पूछ बता। गरीब आदमी की क्या, गरीब आदमी का क्या है, सबको नहीं पता क्या है। लॉकडाउन लगा था, जब वहाँ लेन में लगवा दे, नोटबंदी करी थी वहाँ, इन लुगाइयों को बैंक में वहीं लेन में खड़ी खड़ियों को भिजवा दी। क्या क्या अच्छा लगा जी? सब कुछ अच्छे हैं, रोड अच्छे हैं, बिजली अच्छी है। सपा सरकार में हमारे यहाँ 3 घंटे बिजली आ कर दी, और जब सही योगी जी आए हमें तो पता ही नहीं चलता बिजली गई या नहीं गई। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर खड़े हैं हम लोग यहाँ, और बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कि इस बार चुनावी समीकरण जो है क्या बनेंगे लोकसभा सीट को लेकर मुजफ्फरनगर की। ये जो है बुढ़ाना चौक भी इसको कहते हैं, चौधरी चरण सिंह बस स्टैंड भी इसको कहा जाता है। हम उस जगह पर हैं यहाँ, और यहीं आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई उनका क्या मानना है चुनाव को लेकर। नमस्कार जी बाबू जी, बस बात कर रहे थे चुनाव को लेकर, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है। क्या देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको, जैसे आप यहाँ हो घूमो जाओ? मेन तो 3 आदमी है यहाँ जी, संजीव मलिक, संजीव बालियान और दारा सिंह प्रजापति, और मैं लोक दल के हैं। ये सपा से हरिंदर मलिक जी है, हरिंदर मलिक। तो त्रिकोणीय हो जाएगा मामला? हाँ। अच्छा, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पड़ा है, चुनाव की बात कर रहे थे ऐसे ही, तो क्या लग रहा है जी, क्या देख रहे इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा में? मुजफ्फरनगर में भाई होगा तो भाजपा का ही। अच्छा, पर वो भी टक्कर उसके लिए पुराना है वो। अच्छा, हरिंदर मलिक। हाँ, पुराना है ना भाई वो, पर बाकी हमें लग रहा है लिखा भाई वही संजीव बालियान जी। अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको? भाई काम कर रखे हैं ना। अच्छा। हाँ, काम कर रखे है, और बिल्कुल लोग सुरक्षित जी रहे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही, भैया कोई परेशानी नहीं, किसी कुछ भी तो बात हो आ रही है नहीं भाई। मान लिया हमारे पास 100 रुपये जी, हम मान लिया कहीं पूछ जाओ कहीं घूम लो, और उस टाइम जमाने में जब सफा करो आज था मन को चाहे 2 लाख भी थे चाहना भी था, दिखा था भाई मर के ठोड़ हम तो कहीं भाई। अब सुरक्षा का जो मुद्दा है आपको वो अच्छा लगा? सुरक्षा का बिल्कुल सही, रोड बना दी इससे बढ़िया, और अमेरिका बना दिया बिल्कुल भाई इससे बढ़िया, और क्या होगा ना बताओ। बस बात ये कर रहे थे भाई, चुनाव उनाव आ रहे, मुजफ्फरनगर सीट है आपके यहाँ, तो क्या लग रहा है किसे जीता रहे इस सीट से? भाई कोई जीत जाओ हमें क्या फर्क पड़ रहा है। आप रिक्शा चलाओ, आपके लिए कैसा रहा सरकार का काम? हमारे लिए तो भाई खरे धक्के, सुबह तो सांझ हो जा 200-250, कुछ रहा नहीं आज, फिर पैसा कहाँ था होगा, जब पैसे में तो खुद ही घूमते फिर रहे भाई। हाँ भाई, घर का काम चल पावे कुछ, क्या कहाँ से चल जाएगा भाई, 200-250 रुपये में इंसान क्या कर लगा बताओ तुम, क्या कर लगा? इन्होंने तो कह दिया ये कर दिया वो कर दिया, राशन को ठहरा, राशन भी धर लगा अपना, राशन तो पहले से मिलता रहा, ये तो गेहूँ और चावल बांट रहा है, कोटे के चावल कौन खावे, खावे कोई, कौन खावे, तुम खा लो क्या, खा लो क्या अपने घर में? नहीं नहीं, ये खा लेंगे तो जनता को राशन के राशन दे नहीं, मतलब ये कहवे ना लोग बाग मोदी तो राशन बांट रहा है, ये बांट रहा। अरे पहले तो चीनी मट्टी का तेल तो खत्म ही कर दिया नहीं कर, बिजली आ गई कह रहे, बिजली आ गई, बिजली पहले तो नहीं आ रही थी, तो बिजली फ्री में जड़वा रहा, पहले कम थी, फ्री में जड़वा रहा है, फ्री में जो 3 रुपए की यूनिट थी पहले वह 7-8 रुपए ही कट रही। तो आम आदमी की मजदूर की क्या स्थिति है बता दो तुम्हें? 200-250 सुबह के आ रहे, 8 बजे के निकट के भूखे प्यासे फिर रहे, शाम को जाऊंगे रोजा राजा खोल लेंगे अपना पड़ जाएंगे, और क्या तो यार किसको देख रहे, एक तरफ संजीव बालियान एक तरफ हरिंदर मलिक है, किसका लग रहा है भाई? कोई हो जाओ बेचारा, हमें तो फिर भी करके खाना। अगर ऐसे ऊँ देखे 10 साल का काम कैसा लगा सरकार का भाई? कैसा भी नहीं लगा, कैसा लगेगा, गरीब आदमी की क्या, गरीब आदमी का क्या है, सबको नहीं पता क्या है। लॉकडाउन लगा था, जब माल लेने में लगवा दे,
नोटबंदी करी थी वहाँ लुगाइयों को बैंक में वहीं लेन में खड़ी खड़ी को भिवा दी। तो भाई क्या बच रहा है तो वैसे काला धन आ जाएगा। हाँ वो काला धन सारे नहीं के धोरे पूछ चुनते वो कहाँ पूछाया सारे में मौज नहीं ले रहे हवाई हेलीकॉप्टर बना रहे ये बना रहे वो बना रहे कहाँ से जा रहा हो थारे हमारे पति से जा रहा कहीं जा रहे जेब में एक रुपया ना हो और कहीं मरगत में जा रहे हम और 500 रुपये हम मांग के ही ले गए थे किसी से पुलिस वालों ने हाथ दे लिया चलान हो बगा जी हो बगा कितना ही गिड़गिड़ा लिया अगर छोड़ ले क्या बगा पहले दे के जाइए फिर तू कहीं चले जाइए चाहे तेरी तलवार भी आ रही तेरी नाट पर तू जा इन्हें दे के जा। आप जैसा रिक्शा चलाओ यूनियन वगैरह है आपके यहाँ? भाई कुछ नहीं है भाई अगर किसी रिक्शा वाले के साथ कुछ हो जाए कोई आवे कोई नहीं आता भाई। दो बड़े नेता उठ रहे भाई संजीव बाल्यान अच्छा क्या नाम आपका? सुभाष है। अच्छा सुभाष जी क्या लग रहा है? गड़बर के हम। अच्छा टक्कर होगी कंटे की? किन किन की टक्कर होगी? हरिंदर की संजीव की। अच्छा टक्कर होगी कंटे की? हम नहीं कहते बाप हम संजीव के नहीं और हम नहीं कहते हरिंदर के नहीं पर कंटे की टक्कर होगी ऐसी होगी ऐसी आज लोग हुई नहीं चुनाव ऐसा होगा। अच्छा तो क्या लगा सरकार का काम कैसा रहा? हरिंदर खुंटा ठोक करवा कहला सब रहे करना पड़ेगा बड़ा पकड़ ले जाके बोला करना पड़ेगा ना। तो अगर पार्टी हटा दे और वैसे देखे नेता वो तो फिर कौन से नेता फिर हरिंदर फिर हरिंदर है ताकतवर यहाँ जिले में पुराने नेता क्या है? हाँ पुराने नेता हरिंदर ही है। आपको भी लगे जी? हाँ लगे सही लगे। ये बाद में आ संजीव वालियान हम पूरा नहीं करते लेकिन भी अच्छा है लेकिन हरिंदर पुराना अच्छा नेता है जिले का और मतलब किसी काम को चले गए तो गला पकड़ ले अधिकारी का बोले करना पड़ेगा भाई। आप जैसा रिक्शा चला रहे हैं आपको क्या लगा सरकार में? 1500 तो हो गए यार बार 1500 नहीं हाँ ज्यादा नहीं होने की टक्कर बजेगी झट्टू की नाप। क्यों दोनों जाट? यू बड़ा फैक्ट है। हाँ दोनों जाट है। तो आपको क्या लगा जी सर रिक्शा चलाओ कैसी रहा सरकार का काम कैसा लगा? हाँ जी सरकार के काम में तो हमारी मेट्रो जो है कभी कह दे महीने 10 दिन को कहने लगे बंद होनी है अब बताओ मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे मजदूर तो है। वोट तो दो आप भी। हाँ वोट तो इनकी है ही देनी पड़ेगी। कैंडिडेट में जैसे बातचीत होती है आपको क्या लगा कौन से मजबूत है? भाई मजबूत तो यही है कोई घोटाला तो हो नहीं रहा और हो भी रहा तो संदरूप नहीं आ रहा है नहीं लेकिन वो सारे गरीबों का जो राशन है भाई मान लो तो आता ही नहीं गरीब बोलो जो भाई साहब बंद होगा ना ये सारे डेंगे बंद करने के प्राइवेट में ले जाएगा बोले रिक्शा बंद करो फिर रिक्शा भी यहीं चला करेंगे बंद भी होंगे मेरे भाई जो बिना नंबर की है। हाँ फिर रिक्शा यहीं चला करेंगे फिर नंबर वाली है टैक्सी वाली है क्या कह रहे? अच्छा बंद भी बिना नंबर जो बिना नंबर की है जो टैक्सी वाली है वे चलेगी जो करे खड़ी देंगे। अच्छा नंबर प्लेट है टैक्स जमा कर रखा रोड बीमा भी हुआ इसका ये चलेगी ये बिना नंबर प्लेट वाली बंद कर रहे हैं। तो कोई सरकार से कोई सहूलियत भी मिल जाए कोई योजना आपके लिए? बहुत सारे मजदूर आदमी मके मिल ली फिर वोट ले ले मजदूर आदमी फिर भी फिर कौन पूछ कर रहा हमारी बता कौन कर रहा कोई साल हो जाएंगे सर कौन कर रहा हमारी पूछ बता हम तो गरीब आदमी मजदूरी कर कर रहेंगे अपना मजदूरी रहेंगे। कोटे की यूनिट भी चार में तीन ही दे। तो मोदी जी का काम कैसा लगा 10 साल का? मोदी ने काम बढ़िया कर रखा। मोदी का सरकार कैसा मोदी था जो कर रात को तो रात कुछ 12 बजे पैदल चल रहा कोई दिक्कत नहीं है वो तो समस्या नहीं आने जाने कोई दिक्कत नहीं है। वोट हम तो भाई से देंगे उसी की पार्टी का आदमी हम तो हरिंदर को देंगे भाई। अच्छा नेता है बीजेपी के है आदमी बीजेपी की गैली रहेंगे एसपी को गड़ा पकड़ा जाके आप हरिंदर खड़ा हो जा बीजेपी के गैल है हरिंदर पुराना नेता है हमारे जिले का हरिंदर को वोट देंगे। जो ऐसा है जो योजना वहाँ से आ रही जो योजना वहाँ पे आ रही वे मैर लोग मतलब इन गरीब आदमी लोग स्कूल नहीं हो रही मेरी बीवी का सिलेंडर लिखा था मैच में ला जाए एक मेरा सामान कार्ड बना तो सबको मिल जाए फ्री सिलेंडर के जिसका जिसका कार्ड में लिखे भाई कार्ड भी किसी किसी का बनता है किसी का नहीं बनता किसी का कागज पे लिखा है तो कह रहे कि बहुत बढ़िया काम है नहीं उस्मान जो कार्ड बना है
किसी का लंबर आ रहा, किसी का नहीं आ रहा, गरीब आदमी का ही तो बना जी। मोदी बढ़िया आदमी है और हमारे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में है, तो सरकार तो बननी उसी का आ रहा, किसी का नहीं आ रहा, मानोगे नहीं मानोगे? वो आगे कुक करी करियो मार के अंदर। चल अच्छा जी, क्या नाम जी, यहाँ के हो? हाँ जी। अच्छा, चुनाव की बात कर रहे थे, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है। हाँ जी। क्या देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है मुजफ्फरनगर में? बीजेपी आएगी। अच्छा, पक्की? इनका तो मुसलमान भाई भी देंगे सबके सब। पहले नहीं दी थी इन्होंने? पहले नहीं दी थी, पहले RLD को दी थी इन्होंने। अच्छा। सब मुसलमान, चौधरी साहब भी इधर आ गए। हाँ, पूरे मुसलमान भी साथ हैं, बीजेपी मुसलमान विरोधी थोड़ा ही है बीजेपी, इनका बहम निकल गया तो विचार होगा। ये पहले थोड़ा गलत फहमी में थे, अब क्या सुधर गए। बीजेपी हमेशा मुसलमानों के, हमारे देश में मुसलमानों के पक्ष में भी है, उनके लिए सब हिंदू मुस्लिम सब एक है, सबका साथ सबका सब का साथ सबका विकास है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे, अच्छा है। हम तो चाहें कि जब तक मोदी जी की उम्र है भगवान लंबी आयु दे और ही नहीं प्रधानमंत्री बना। क्या क्या अच्छा लगा जी? सब कुछ अच्छे हैं, रोड अच्छे हैं, बिजली अच्छी है। सपा सरकार में हमारे यहाँ 3 घंटे बिजली आ कर दी, और जब सही योगी जी आए हमें तो पता ही नहीं चलता बिजली गई या नहीं गई, 24 घंटे बिजली रहे। सड़क बहुत बढ़िया बन गई और कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया, रात को 12 बजे परिवार को लेकर चलता, कोई डर ही नहीं कुछ भी। रोड इतने बढ़िया यहाँ से और इलाहाबाद तक ब्रेक नहीं मारना पड़ता, हाईवे पे चढ़ गए गाड़ी बराबर भागी चली जा। क्या लग रहा संजीव बालियान जी, हरिंदर मलिक है क्या रहेगा? हरिंदर मलिक तो बेचारा, वो तो भटका हुआ आदमी है, कांग्रेस में चला गया। अरे पुराने नेता है वे भी? नहीं, वो ले लगा 2-4 गांवों की वोट ले लगा, 1-2 गांव की वोट ले लगा, बाकी और कुछ नहीं, पूरा बीजेपी पे जा रहा। इस बार फिर संजीव बालियान, फिर बीजेपी सरकार। हम लोग मुजफ्फरनगर सीट पर थे और ये बुढ़ाना चौक है यहाँ पर, जहाँ पे हमने लोगों से, अलग अलग लोगों से बातचीत की, लोगों की अपनी अलग अलग राय है। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब लोगों का। लोकतंत्र है जी, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है।